दूसरो वालो है गोरे लाल भैया को, प्रदीप, अक्षत, तीनों लोग रहे हैं वहां में। यू है तुम्हारा रूम, वीआईपी वीआईपी रूम है सबके, अपने अपने रूम में रहो सब लोग। अब फ्रेंड मिला तो आप लोग इनका तैयार हो गए, हम तैयार हो गए हैं, तो साड़ी पहनी है, पहले लहंगा पहनो तो अच्छो नहीं लगो, तो फिर हमने उतार कर रख दो, बहुत बड़ो लहंगा तो। ये भी कोई फंक्शन है, कोई शादी थोड़ी है जो लहंगा पहन के जाते, बहुत हैवी है तो। साड़ी अच्छी लग रही है, तुम तीनों लोग बढ़िया लग रहे, कपड़े भी बढ़िया लग रहे, लड़कन को यू सिस्टम सही लगा। आज पहली बार सपना दीदी का सामने से देखे हैं जाए, वैसा तो उनके हमने गाने ही सुने हैं, थे उनके गाने पर डांस है करा था। 1:14 हो गए तब निकल रहे हैं, कम से कम 20 किलोमीटर दूर है सपना दीदी घर, बिल्कुल गाँव टाइप में है, सब नोएता वही सब जा रहे हैं दीदी घर है। बहुत बड़ो फंक्शन है, निरे लोग आए हैं, पहुँच गए हम, एक पुलिस वुलिस सब लगी है, सब औरतें जा रही मुँह झाँप झाँप कर, बांध बांध का पता नहीं कहीं चलती, बिल्कुल मुंह बांधे हैं, डांटा सो लगाए, मुंह जांप जांप कर चल रही। नमस्ते भैया, सीधे लो, भीड़ ऐसे जैसे मेला लगो हुए, इतनी तो मेलन में भीड़ नहीं हो जितनी दीदी के फंक्शन में भीड़, इतनी भीड़ है, एंट्री नहीं गांव की हो रही है, ये सब गांव वाले हैं, लड़ा लड़ खंगे एंट्री की वजह से, एंट्री हो चुकी है मेरी, अब दीदी तो मिले हैं, जाए एक्साइटेड है। पहली बार तो रहे पता नहीं का, अब सपना दीदी आई नहीं है, वे तो घर है, बच्चा को नामकरण करवा रही, मान लो हम लेट हो गए, लेकिन लेट नहीं भाई, सबसे जल्दी हम ही आ गए, तो कोई प्रोग्राम चालू नहीं भाव, तब तक जा रहे हम खाना खा ले मैं जाए, ऐसो पता हो तो तुम नहा के आते, ऐसे चले आए, कल को मेकअप लगाए, खाना पीना यू सब लगो है, खड़े खड़े तो खाने पड़े है, प्लेट बहुत वजन की है, आधा किलो कम से कम है। चलो दीदी यही है, तब आती रहे हैं, अपनी पेट पूजा पहले कर ले। या दाल है उड़द की, चलो शांति में खाना, तुम तो कहीं भीड़ नहीं ज्यादा, वैसे भीड़ तो बहुत है, बहुत खड़े बाहर, लेकिन इधर नहीं आए पा रहे कोई लोग। पनीर रखी है यार, रसगुल्ला हमने चार करवाए, लड्डू है सो दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको लेकर आ गई शिवानी की एक नई वीडियो, आप देख, मतलब इतना अच्छा लगता है मेरे को तो शिवानी की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप मेरे को एक बार कमेंट में बताना आपको शिवानी की वीडियो कैसी लगती है। तो एकदम देसी स्टाइल में, देसी तरीके से वो खाना खा रही हैं, और आपको मैं बता दूँ आज वो गई हुई हैं सपना के घर, सपना को बेबी हुआ है, मतलब बेबी बॉय, तो उन्होंने जो प्रोग्राम करवाया था उसमें इन्वाइट किया था शिवानी को, शिवानी वहाँ पर गई हुई है इतनी दूर, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया था, वो यहाँ पर इतना ज़्यादा खुश है, इतना अच्छा लग रहा है, और शिवानी की साड़ी में इतनी प्यारी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है सबकी, बहुत ज़्यादा सब देखने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पर शिवानी तो सपना को नहीं मिली, लेकिन वो घर पर अपने बच्चे का नामकरण करवा रही हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आगे वीडियो में देखना। आ गए भैया फिर होटल पे, जल्दी जल्दी में सब सामान, और मेरे ऐसे ही डरो कछु नहीं, सफाई करके गए थे कि लेट हो गए, सोए लेते और नाश्ता पानी कर लेते इन तब जाते संजा गाय उनता सही रहा। दीदी ने यहाँ कही थी कि 12 बजे आ जाना तुम, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम चालू हो जाएगा, मुन हम पहुँचे 2 बजे, अब तो हम लेट हैं, थोड़ी देर सोई हैं, अब मिला था आप लोगों का आराम करके। फ्रेंड शाम हो गई है, हम नहाए के सोए गए थे, दोबारा फिर साड़ी पहनी, फिर तैयार हुए हैं, अब अच्छो लग रहा हूँ मेकअप, तो पहले मेकअप कर रहे थे वो तो कल को है, तो अब सपना दीदी के घर पर जाइए, जहाँ फंक्शन हो रहा हो तो उन नहीं जाइए, उन पर बहुत भीड़ आती, उन नहीं आ गई कि सीधे घर आओ, उनके ससुराल जा रहे, चलो जे तो इतने बड़े फैन थे इनको तो सपनों टूट हो जा रहे हो। तो 7:04 हो गए तब निकल रहे, बिल्कुल अंधेरो हो गए है, मेरा मन है तो कि ना जाए, दीदी बिजी जी हुई हैं, इतने लोग आए किना किना भी देखे हैं, लेकिन फिर उनको फोन आओ कि शिवानी आ जा तेरे से मिलना है, इतनी दूर से आई है तू, फिर हमें जाने पड़ रहे हो। मेरे गांव से 650 किलोमीटर दूर हंसी में आए हम, तो इतनी दूर है दीदी को घर, पहुंच गए फ्रेंड, दीदी घर है, अब मिलने ही वाले हैं थोड़ी देर में। कैसी हो? बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। बाबू कहाँ है? बाबू से भी मिलवाते हैं।
दीदी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, तो हमसे तो मिली हैं, हमने बाबू भी खिलाया लो। छोटो सो क्यूट सो है, सोए रहो है। गुलजार भैया आए हैं, नीचे बैठे हैं, उनकी पत्नी वे बैठी हैं, अब अभी इधर बैठो। वैसे आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू, मैंने भी आपको बिग बॉस में देखा था, मुझे बहुत अच्छे लगे। भैया सोच रहे हैं का किनता बोल है, सब उन्हें घेर का बैठे हैं। फ्रेंड दीदी से मिल चुके हैं, लल्लू से मिल लो, बहुत अच्छो लगो। मैं शिवानी को बहुत ही दिल से धन्यवाद करूंगी। शिवानी सबसे दूर से आई है, मतलब 10-11 घंटे का ट्रेवल करके आई है स्पेशल फंक्शन अटेंड करने, तो रिस्पेक्ट यहाँ है आज इस लड़की के लिए मेरे लिए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत अच्छा करती है बिग बॉस, मैंने पूरी प्रेगनेंसी में बिग बॉस देखा है, और शिवानी कमाल थी उसके अंदर। और मैं शिवानी को बोल भी रही थी, वहाँ जो तुमने मुंह बनाए हैं उसके अंदर, मैं हमेशा मतलब शायद मैं थोड़े दिन बाद जैसे ही अपसेट फील करूँगी ना, तो मेरे को लगता है मैं वापस से रिपीट तो टेलीकास्ट देख सकती हूँ। शिवानी काम भी कर रही है हरियाणवी इंडस्ट्री में, तो मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं कि ये बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा मुकाम। आपके भी बहुत अच्छे गाने चलते हैं, अच्छा लगा। चलो इनके सबके फोटो करवा दे, सबका बड़े ये फैन है आपके। हमारी तरफ से कोई गलती वलती हो गई हो तो माफ करें, थोड़ा हेक्टिक था। कोई बात नहीं, फंक्शन बड़ा था तो नहीं हो पाता। दोबारा आराम से मिलेंगे, तुम घर में स्पेशल इनवाइटेड हो, जब तुम्हारा दिल करे। इधर अब शूट करने आती रहती हूँ, जब तुम्हारा दिल करे फोन कर देना कि दीदी मैं आ रही हूँ, यहीं पे रहना हमारे पास। बाय, ध्यान से जाना। चलो अब जा रहे हैं रूम पर, बहुत देर रुक लो हम ना, अच्छे से मिल रहे। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, 9 बज गए हैं, बहुत देर बैठ लो उनके घर में। तो उनको लल्ला हम ना खिलाओ, दीदी को वीडियो नहीं बनाई, वे मुंह नहीं दिखाने दे रही थी कि वीडियो में ना दिखाओ, वो ऐसे रखबो चाहती थी। ठीक है, आए गए फ्रेंड फिर होटल पर, अब खाना पीना खाए हैं। हमने एक दिल को तसल्ली मिली जब दीदी से मिल रहे, हमें तो लग रहा था कि इतनी भीड़ में हमारी मुलाकात ना हो पाई, हम तो शादी छोड़ के आए थे। चलो मैं ना सफल होएगी।